को बना दिया। हाँ, इसमें की बैटरी नहीं दिया, सही बात तो ये है। आ रही आवाज़, जाना नहीं, चलो ठीक है ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी बेटा, चलो। बंदा इसमें की बैटरी नहीं दिया, आवाज़ आ रही है। तुम लोग तो थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ होता है तो ज़्यादा चिल्लाते हो, ये भी तो है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा है। क्लास 9th आप लोग पढ़ रहे हैं, 9th की NCERT मैथ है, एक्सरसाइज 2.5 चल रहा है। कह रहा है कि यदि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, तो दिखाइए कि चलेगा चलेगा, थोड़ा सा रुको। दिखाइए कि क्या दिखाने को बोल रहा है, देखो समझो। यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल 3xyz है, तो दिखाइए कि ये यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल 3xyz है, ये दिखाना है। सही आ रहा कि नहीं? देखो भैया, बराबर के बराबर, बराबर के इधर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ये बराबर, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ बस, मतलब ये जो है इसके बराबर है, ये दिखाना है। सभी बच्चे बताओ, दिख तो रहा है सही ना? देखो क्वालिटी चेंज कर लो बाबू, आप लोग सेटिंग से 720 पे कर लोगे, बढ़िया दिखेगा। वैसे दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है राजा, एकदम मस्त दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये क्या करना है, दिखाना है। हम सबको पता है, आपको भी पता है, एक सर्वसमिका, वो सर्वसमिका क्या है, यहाँ पे लिखो। सभी बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखो, तो थोड़ा इधर कैमरा ज़्यादा है, मैं अभी उधर कर दूंगा। ये सर्वसमिका है, इसे लिखो सर्वसमिका। देखो बच्चा, ये सर्वसमिका है, यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस का 3xyz इक्वल, ये आपका होता है यक्स प्लस वाई प्लस जेड। लिखते चलो फटाफट, ये पूरा अभी सर्वसमिका लिख रहा हूँ मैं, आगे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख दूंगा इसका आधा पार्ट। यक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, माइनस यक्स वाई, ऐसे ही है ना, वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये क्या है, ये आपका सर्वसमिका है। इस तरह से आपका ये मेन सर्वसमिका है, इसी की सहायता से हम इसको कर पाएंगे। कुछ समझ पाए ना बच्चा, समझ पाए ना? कह रहा है कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है, तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि यक्स का क्यूब धन वाई का क्यूब धन जेड का क्यूब बराबर 3xyz के बराबर है, ठीक है। राम विश्वास जी, कुछ समझ में आ रहा है? देवांश त्रिपाठी, रोहित विश्वकर्मा, सचिन, आयुष तिवारी, नव्या गुप्ता, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? चलो तो अब क्या करेंगे, इस सर्वसमिका को थोड़ा इधर लिखेंगे, इधर साइड में थोड़ा जगह मुझे करनी थी लेकिन मैंने नहीं किया, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इधर कुछ ज़्यादा ही ये गया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लो, ठीक है, ओके है ना? अब चलो तो बच्चा देखो, अब क्या करना है, जो अगर आप यक्स वाई जेड वाला जो मान है उसको जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें? देखो समझो, इसको पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, सर्वसमिका पूरा पूरा जो भी है इसी सर्वसमिका से हम हल करेंगे। यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, ये ठीक है बराबर। अब देखो, कह रहा था कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो बराबर का जो ये इतना हिस्सा है ये जीरो हो जाएगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा इंटू ये कोष्ठक वाला पूरा पूरा लिख दोगे ऐसे, यक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर,
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ठीक है, इतना हो गया। अब देखो बच्चा एक चीज समझो, अगर इसमें जीरो से गुणा करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब ये सब खत्म हो जाएगा, तो फाइनल में क्या बचेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड बराबर ये जीरो हो जाएगा। आराधना समझ में आ रहा कुछ, ज्योति सिंगरौल, राजकुमार चौरसिया जी समझ में आ रहा कुछ बच्चा सबको? चलो अब इधर का सब जीरो हो गया, तो बच्चा हमें सिद्ध क्या करना था, ये बराबर एक्स वाई जेड दिखाना था, तो हम इसे लिख सकते हैं x का क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल तीन एक्स वाई जेड, और यही हमें सिद्ध करना था, अगर आप देखो तो यही सिद्ध करना था ना, नीचे लिख दो, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ या हेंस प्रूव्ड, इंग्लिश वाले लिखेंगे, ये सिद्ध हो चुका है। इधर कुछ नहीं है, केवल बराबर का चिन्ह लगा इधर, इसके इधर कुछ नहीं है जहां कट रहा है। सुशीला शर्मा अभी अभी जुड़ी हो ना, तो देर में जितनी बार आओगी शर्मा जी उतनी बार फिर से तो नहीं होगा यहाँ पे, हाँ इसलिए अब टाइम से आओ क्लास में तो अच्छा रहेगा। चलो तो इसको लिख लो आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अच्छा है, मस्त है, बेहतर है, बेहतरीन है, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन आपका प्रश्नावली चल रहा है बच्चा 2.5, कक्षा 9 की NCERT गणित है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो दिखाइए कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल तीन एक्स वाई जेड, ये सिद्ध करना है। आदित्य परिहार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवांश, विकास जी गुड इवनिंग। तो बच्चा क्या करना है, हमें एक सिंपल सा सर्वसमिका लिखना है, ये सर्वसमिका होती है आइडेंटिटी, इसको तुम लोग को याद कर लेना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये सर्वसमिका तुम्हें याद रहना चाहिए बच्चा। ये क्या है, सूत्र है बाबू, ये सूत्र है, ये फार्मूला है तुम्हारा, हाँ ये पूरा ये सूत्र है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, इसको हमने लिखा है, और लिखने के बाद क्या करा है, इसी सर्वसमिका में जो दिया था जीरो, इसको मैंने जीरो कर लिया इतने को, और ये फाइनल में इधर का सब जीरो हो गया, आ गया उत्तर, इतना ही करना था। समझ में आया तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। चलो जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो, हल हो चुका है, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ, जल्दी करो बच्चे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो ठीक है मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ, जल्दी करो। आराधना कुमारी पहले पढ़ लो, सचिन ब्रो से बाद में मिल लेना, अभी ये ब्रो तुम्हारे कहीं जाने वाले नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे कि बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे कि बताना पड़ेगा, हाँ कर लोगे भैया, 14 नंबर कर लोगे, बताना पड़ेगा। ज्योति सिंगरौल कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे शिवम, हाँ मुझे पता है कि तुम कर लोगे क्वेश्चन नंबर 14, चलो कम से कम बहादुरी में बताए तो कहाँ कर लेंगे। देखो बच्चा इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा। ये -12 का क्यूब है और +7 का क्यूब है और +5 का क्यूब है, ठीक है, करना क्या है वो समझ लो पहले, यहाँ से क्या करना है वो समझ लो बच्चा। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना
निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये घन के रूप में दिया गया बच्चा, हमें इसको हल नहीं करना घन के रूप में, मतलब हमें इसका क्यूब नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसका मान बताना है। बड़ी विडंबना है ना, सोचो। यानी इसको घन नहीं करना है, जैसे 12 का क्यूब का मान नहीं निकालना हमें, 7, 7, 49, 7, 343 नहीं करना है, लेकिन फिर भी मान निकालना है, ऐसा करने को बोल रहा है। क्या आपके पास NCERT किताबें हैं बच्चा? अगर हैं तो चलो आगे बढ़ो। देखो समझो, अभी अभी हम लोगों ने एक सर्वसमिका पढ़ा है। वो सर्वसमिका का थी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बेटा ये बराबर 3xyz होता है। अभी अभी पढ़ा है ना, लेकिन ये तब होता है बराबर जब यदि x प्लस y प्लस z इक्वल 0 हो तो। याद रखना, अगर ये कंडीशन नहीं है तो तुम इसको जीरो नहीं कर सकते। ये तो बनी बनाई सर्वसमिका है, एक अभी जो बनी थी, मतलब ये कोई पहले से दी नहीं गई, इसको हम लोगों ने खुद से खोजा है। तो इसमें कंडीशन है, ये सभी का क्यूब करके 3xyz के बराबर तो होगा, लेकिन शर्त है कि अगर xy प्लस z तीनों जीरो होगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सुशीला शर्मा, क्लास का टाइम शाम को 7 बजे से है डेली, हर दिन शाम को 7 बजे से है, आज क्लास थोड़ा पहले हो गई बस। चलो तो बच्चा, अब हम पहले इसकी जांच करेंगे कि क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है या नहीं है। देख लेते हैं, अगर जीरो होगा तो हम इस आइडेंटिटी को लगाएंगे, अगर जीरो नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो इसको साइड में जांच कर लेते हैं। चलो साइड में इसकी जांच कर लेते हैं कि ये जीरो है कि नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। चलो चेकअप करते हैं। x का मान -12 है, प्लस y का मान 7 है, प्लस z का मान 5 है, बराबर 0। -12 और देखो बच्चा, 7, 5, 12 बराबर 0, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, बराबर 0। यानी ये जांच में सिद्ध हो गया कि ये 0 है, यानी हमारे जो x प्लस y प्लस z जो मान हमने माना था वो 0 के बराबर है। तो अगर है बेटा तो इनको हम 0 क्या कर सकते हैं, 0 है तो हम इसका मान लगा सकते हैं, अपना ही सर्वसमिका का यूज कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। ये -12 का क्यूब प्लस ये 7 का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब, तो इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, 3 गुणा। अब इसी का मान मेन निकालना हमें बस, हाँ, x का मान -12 और y का मान 5 और z का मान 7, बस बस बस, मिल गया। चलो इन सब का गुणा कर लो बच्चा। आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा -1260। कितना मिलेगा, ये -1260 आंसर हो गया। बस सबको समझ में आया? हेमंत गुर्जर, कुछ समझ में आ रहा है? दिलीप कुमार, देवांश, देखो बच्चा, सभी को टेलीग्राम चैनल पे नोटिस दे दिया गया था आज दोपहर में ही कि क्लास आज शाम 5 बजे से होगी। वैसे तो क्लास ये रोज 7 बजे होती है, हो सकता है आप इसे बाद में देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइव ख़त्म होने के बाद भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, देख सकते हो कभी भी। तो ठीक है, लिख लो इसको, अगले पार्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। हाँ चलो, सेकंड पार्ट कर लोगे कि बताया जाए? क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट कर लोगे ना भैया? हाँ बाबू, कर लोगे ना? देखो सीधा सा बात है, यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल 3xyz होगा यदि यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 सिद्ध हो जाए तब। तो कर लेना पहले, 0 के बराबर अगर हो जाता है तो सर्वसमिका लगा देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भैया? सूरज यादव, मिस्टर सूरज, हाल तो सब ठीक ठाक लग रहा है मुझे। चलो कर लेना, नहीं आएगा तो फिर बताना, हम देखेंगे। हाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर पर, क्योंकि ख़त्म भी तो करना है, नहीं तो फिर ऐसे हम झेलाते रहेंगे, ख़त्म होगा ना करेगा। 15 नंबर पे देखो क्या कह रहा है। कह रहा, नीचे दिए गए आयतों
जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। यानी नीचे जो ये आयत दिए गए हैं भैया, रेक्टेंगल दिए गए हैं, देखो कहाँ दिया है उसको पहले लिखता हूँ। पहला दिया है क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया चल रहा है गुरु, ये 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए और माइनस का 12 ये प्लस में ये दिया है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लो। कह रहा नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक के लिए, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें क्या दिया भैया, आयत का क्षेत्रफल दिया बच्चा, ये आयत का क्षेत्रफल दिया है, हमें लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। यानी एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी है। हम लोगों ने बचपन से बहुत पढ़ा, अब तक बहुत पढ़ा है ना इसको, कैसे निकालते हैं सभी जानते हो। चलो फिलहाल देख लेते हैं कैसे होगा, समझ लेते हैं। जैसे अभी तक आप द्विघात समीकरण पढ़े हो सेम वैसे ही करेंगे। तो बेटा देखो 25 का 12 में गुणा कर लो बाबू, तो 25 का 12 में गुणा करोगे तो 25 का 12 में करके देख लो, 12 पंचे 60, अब 12 दूना ये 24, 30, 300 आएगा ना, 300 आएगा। यानी हमें कोई ऐसी दो गिनती खोजनी है जिसका गुणा करें तो 300 आ जाए और जोड़ दें तो 35 आ जाए, माइनस का 35 आ जाए, कोई बताएगा? यानी गुणा करने पर बेटा क्या आए, 300 आए, और अगर जोड़ें, हाँ जोड़ करें तो माइनस का 35 आए, कोई ऐसी दो गिनती कोई बताएगा? देवांश त्रिपाठी, सचिन कुमार, बेटा पढ़ाई कर लो, रिमझिम रिमझिम, समझ में आ रहा ना? चलो तो अब हम इसको तो ऐसे ही लिख देंगे जैसे भी दिया है, 25 ए का स्क्वायर माइनस, देखो बच्चा 300 को हम लिख सकते हैं 20 और 15 के रूप में। देखो भैया अगर माइनस का 20 और माइनस का 15 तुम करते हो तो माइनस का 35 आ जाएगा, क्यों भाई आ जाएगा कि नहीं, और इनका अगर गुणा कर लो तो 300 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, तुम लोग दिल नहीं लगा रहे हो उस क्वेश्चन में इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो इसे मैं डायरेक्ट कर दूंगा माइनस का 20 ए और माइनस का 15 ए और प्लस का 12। देखो बेटा इनमें दोनों में अब तुम कॉमन ले लोगे 5 ए, तो आपका बचेगा 5 ए माइनस 4 बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 कॉमन ले लोगे तो 5 ए माइनस 4 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चा कुछ? चलो हमें क्या निकालना था, हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना था। क्या निकालना था? आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना था। इसके गुणनखंड हो गए तो 5 ए माइनस 4 एक हो गया और 5 ए माइनस 3 ये 2 हो गया। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से तुम कह सकते हो बेटा ये क्या हो गया आपका लंबाई हो गया, ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया, यही आंसर हो गया, दो व्यंजक हो गए। समझ में आ रहा है ना दीपक, कुछ समझ में आ रहा है? लतियाना जाट, लतियाना जाट भाई नाम तो तुम्हारा बड़ा अजीब टाइप का है, हाँ लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ, ये फर्स्ट पार्ट है 15 का, इसमें और भी है। सूरज बच्चा क्या कह रहे हो, तुम्हें ब्लॉक कर दें अब ना, ब्लॉक कर देना भैया। चलो ठीक है, पढ़ना नहीं है तो फिर क्या मतलब है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट इसमें का मुझे लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है आप लोग के पास बातचीत करने से, तो मैं कर देता हूँ ना, हाँ क्योंकि आप लोग ज़रूरी बात कर रहे हो, ज़रूरी बात कर रहे हो तो मैं हल कर देता हूँ, तुम लोग बात कर लो। चलो इतना पटकेंगे ना उठा के, खोपड़ी दिमाग सही हो जाएगा। सेकंड पार्ट
देखो बच्चा ये है 35y² - 13y - 12। हाँ यही दिया है, इनको खुद से करना, ये होमवर्क है जैसे अभी बताया हूँ उसी आधार पे, जैसे अभी बताया हूँ उसी आधार पे करो। अब तक मैंने 27 क्लास पढ़ा दिया है, 28 पढ़ा दिया है, मतलब एक महीना हो गया क्लास चलते, तो जो बच्चे पीछे की क्लास नहीं देखे बेटा उनको समझ में कम आएगा, इसलिए आप पीछे की सारी क्लास देखो, पहले पीछे की सारी क्लास देखो, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है सब, और हो सकता है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया हो लिंक, जाके देख लेना। ये होमवर्क है, कर लेना, आ जाएगा ना भैया। जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं बेटा उन्हें समझ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो पीछे का वीडियो जरूर देख लो। अब तक लगभग 28 वीडियो नहीं क्लास हो चुकी है, 28 लाइव क्लास हो चुकी है। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्लियर तो दिख रहा है ना, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसमें गंदा लगा है खुद ही हमारे स्क्रीन पे, हाँ भले चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अगला, नेक्स्ट कह रहा है कि घनाभो यानी क्यूबाइड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। इनके लिए संभव व्यंजक लिखना है बच्चा, पहला क्या दिया है, पहला आयतन दिया है 3x² - 12x, ये क्या है, ये घनाभ है, इसे क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। देखो क्यूबाइड क्या होता है बच्चा, देखो इसे देखे होगे नहीं तुम कभी, अरे क्यूब और क्यूबाइड देखे हो ना, ये ऐसे होता नहीं है खतरनाक टाइप का, अरे जैसे डिब्बा उब्बा होता है ऐसे, या ऐसे कुछ दिया है ना। इनका क्या करना है, आयतन निकालना है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया होगा, तो बचवा का लिखोगे इनमें तुम, पता नहीं ये चल रहा है आवाज आवाज आ रही कि नहीं आ रही कुछ मालूम नहीं है। लिखो आयतन बराबर, देखो ये तो आयतन आपका दिया है जो किताब में दिया है, बाकी इसका जो सूत्र होता है वॉल्यूम बराबर LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये हम सबको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लेकर के हल करते हैं, कहीं पहुंचते हैं किसी मुकाम पर, तो 3x² - 12x, इसमें बेटा 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बचेगा। इसमें अगर तुम देखो तो इसमें तीन लोग आ गए, तीन आ गया, एक यक्स आ गया, एक यक्स माइनस 4 आ गया, यानी हमारा ये मान लो लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, यल आ गया, बी आ गया, एच आ गया, और हमें यही निकालना था, समझ में आया ना आपको, हमें यही निकालना था, आपको समझ में आया, किसी को कोई परेशानी नहीं है, नी प्रॉब्लम एनीवन, नहीं ना, चलो लिख लो। तो ये फिलहाल डैश कर करके तुम्हें नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डैश कर करके नहीं लिखना है, नीचे चाहे तो इसको लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना, ऐसे लिख लेना आता है, यल इक्वल 3, बी इक्वल एक्स, और यच इक्वल एक्स माइनस 4, सबका गुणा करोगे तो बनेगा वही, चाहे इसको इधर से या उसको उधर से। दीपक कुछ समझ में आ रहा है, हाँ INC प्रदोष जी, क्लास का टाइम शाम को 7 बजे से है, आज सिर्फ क्लास का टाइम बदला था बस, सिर्फ 19 अगस्त को ये क्लास 5 बजे से थी, क्योंकि हम कहीं इम्पोर्टेंट जगह जाने वाले हैं, वहाँ से आपको फिलहाल दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, सिर्फ आज के लिए टाइम बदला था, रोज के लिए थोड़ी बदलता है। आप लो जल्दी से देखो, हो गया लिख लो, तो ठीक है, कितना हो गया, मुझे लग रहा है कि अब बंद भी करना चाहिए था।
अरे ये खत्म हो गया, कमाल की बात है। बंद करने की तो बात छोड़ो, एक और बचा है इसमें, इसमें एक पार्ट और बचा है, देख लो। एक पार्ट और बचा है, इसको तो कर लोगे आप लोग, बताओ पहले मुझे तो। ये 12 KY का स्क्वायर प्लस 8 KY माइनस का 20K, पहले मुझे बताओ कि तुम लोग इसे कर लोगे कि नहीं भैया। हाँ अच्छा, पार्टी क्लास को लाइक नहीं कर रहा तुम लोग भाई। हाँ देवास जी, मिस्टर सूरज और सुशीला, और कौन कौन है ये, आदित्य, ज्योति, ये क्लास को लाइक कौन करेगा, और दादा एंड दादियाँ, क्लास को कम से कम लाइक तो करो ना आप लोग। सही नहीं आ रही है आवाज़, आवाज़ सही नहीं आ रही, फिर कोई आफत आई का, क्या करूँ, कभी कभी मुसीबत आ जाती है ऐसे। हाँ बेटा, समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, पसीने खोपड़ी से गिरता है ना, हर एक जगह से होते हुए नीचे जमीन तक पहुंचता है। ऐसे नहीं आता है कि पूजा क्या कर रही हो, हैप्पी बर्थडे बेबी करोगे तो थोड़ी समझ में आएगा, पढ़ोगे तब आएगा ना। पढ़ तो रही नहीं हो तुम, कोई नहीं पढ़ रही हो, इधर उधर कर रही हो। चलो इसमें देखो बच्चा, 4 के कॉमन ले लोगे, मैं बता देता हूँ। तो बेटा इसमें 3 बचेगा और वाई का स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 के निकाल लोगे इसमें से तो 2 y बचेगा, माइनस इसमें 5 बचेगा, के तुमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, अब ये बीच का आपका द्विघात समीकरण बन गया, इनके क्या करोगे आप, गुणनखंड कर लो, 4 के गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर 2 आए, ऐसा कोई दो नंबर बताओ। हाँ गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर क्या आए, 2 आए। तो देखो बेटा ऐसी स्थिति में क्या करोगे तुम, ये 3 y का स्क्वायर और प्लस, देखो 2 को हम लिख सकते हैं, गुणा करने पर हमें 15 लाना है ना। हाँ 2 को हम लिख सकते हैं 5 - 3, लिख सकते हैं ना, यानी ये बन जाएगा 5 y माइनस का 3 y और माइनस का 5। जैसे पीछे पढ़े हो अभी तक, अगर पढ़े थे तो ठीक है, और नहीं पढ़े थे पीछे तो भगवान ही भरोसे हो, तो मैं क्या करूं। हाँ सुशीला कह रही कि थोड़ा प्यार से समझाओ, देखो इसमें ज्यादा प्यार अगर आ जाएगा ना, तो फिर प्यार आने के बाद फिर समझ में कम आता है, बात ये है। इसमें देखो कॉमन क्या लोगे, इसमें कॉमन हो जाएगा भाई साहब आपका, इनको मैं कोष्ठक में बंद कर देता हूँ, तो वाई कॉमन हो जाएगा बाबू आपका, ये तो 3 y बचेगा और प्लस का 5 बचेगा, -1 कामन ले लोगे तो 3 y प्लस 5 इसमें भी बचेगा। अब इस तरह से आपके दो ये नए नए फैक्टर आ गए, एक तो ये 4 के पहले से ही था, ये आपका 3 y प्लस 5 और ये आपका y -1, हमें कितना बताना था भाई साहब। ये घनाभ था, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगा, 3 आएंगे ना, तो ये आ गया, ले लो आ गया, नीचे थोड़ा जगह कम है, लेकिन मैं संकेत में सम ध्यान करना जानता हूँ, इसी में लिख दूंगा, समझो। ये 4 के 1 हो जाएगा, 3 y प्लस 5 1 हो गया और आपका y -1 1 हो गया, लिख लो बेटा, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डन, लिख लो फटाफट, लिख लो, छाप लो जल्दी जल्दी से, देर ना करो, बहुत जल्दी छाप लो बच्चा, सभी लोग छाप लो, चलो छोड़ो, जाने तो टाइम हो गया वैसे भी, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। स्क्रीन शॉट ले लो, आवाज आ रही होगी उम्मीद करते हैं, वॉइस में घनघनाहट हो रही है, अभी हमारे खोपड़ी में भी घनघनाहट हो रही है, हाँ तो हो तो आपका रही ये है, चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। आवाज में गड़गड़ाहट हो रही है, ये बदलना है, माइक्रोफोन बदल दूंगा मैं, परेशान ना रहो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर
तो ये हो गया खत्म बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ, बहुत जल्दी करो। ये आपका टू बहुपद खत्म हो गया आज, बहुपद का दाइंड हो गया। कल से आपका नया चैप्टर चलेगा, जो भी चलेगा। हाँ, तीसरा चैप्टर का नाम किसी को याद है? तीसरा चैप्टर का नाम याद है किसी को? कभी किताबें नहीं खोले चाचा लोग तो कहाँ याद रहे, याद है कि नहीं? आवाज तो आ रही ना, आ रही, थोड़ा धीमे आ रही ना। तो बहुपद खत्म हो गया बेटा, बहुपद, बहुपद खत्म। हाँ, ओके डन। इंग्लिश में क्या बोलेगा इसे? पॉलीनोमियल ना। ये हो गया भैया दाइंड। अब कल एक नया चैप्टर चलेगा, शाम को 7 बजे से क्लास होगी। आज शाम 7 बजे नहीं होगी बेटा, आज शाम 7 बजे के बदले तुम्हें पढ़ाया हूँ ना, अब मैं 2 बार थोड़ी पढ़ाऊंगा। अब अगली क्लास कल शाम 7 बजे होगी।